उग्रमन से शादी ना भइल रहे। कलश की पहले के जमाना में डोली कहाँ आवत रहे, कई डोली कहाँ लौटा दो हमके गौना ना जाए के बा, घर वाले जिद करे लगल। तब लड़किया कहे का कहे ससुराल में भगवान राम शादी करके अयोध्यापुरी में सीता जी के लौलन घरे में लक्ष्मी के प्रवेश भइल, जैसे आज यहाँ एगो लक्ष्मी के प्रवेश भइल बा, पूरा अयोध्या नगरी खुश बा, खुश होके करत का हुआ राजा दशरथ भी बड़ा खुश हो गए। पूरी पूरी सजी हुई है, पूरी अयोध्या नगरी सजल बा, जैसे आज यहाँ एगो लक्ष्मी के प्रवेश भइला पे हो। वैसे ही भगवान राम जी जब बियाह करके सीता जी के लौलन पूरा अयोध्या नगरी खुश बा, राजा दशरथ भी इतना खुश हो गए कि जितना दुआरी पे पड़ जाए डरन सबके खुश करके दान दक्षिणा देते हुए दुल्हन जैसे पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई। अयोध्या नगरी एक नई नवेली दुल्हन की तरह से जलवा देखे में खूबसूरत लागत बा, भगवानों अभी तरसत हो गए धरती पे आवे खातिर। कहे का कहे खुश होके दशरथ लौटावे खा जनम के प्रवेश भइल पे तमाम प्रकार के खुशी दिखा दो, सबके सम्मान कैलन। वैसे ही राजा दशरथ भी सम्मान करत हुए कहे का खुश होके दशरथ लूटा देखा जना यार सीता जी जोने समय घर में आवली चारों तरफ खुशी बा, माई कौशल्या भी अंधन सोना चांदी लुटावत है,
और खुश होके अपने अंगना में नाचा जाए। नाच के कौन गीत गावे? घर में मेहरारू गावत है जब दुल्हन आवत हो। कैसे गावे? नवा खपड़ई लावा छवा रे नए घर पतौ लेके ससुर घरे में आवत है तो मेहरारू गावत है। तोहरी जंघिया बाखा नवरे फलाने रम बहुरिया लइके आइया और खुश होकर करता हुआ सीता जी के सुंदरता देख के अयोध्या नगरी के सजावटी देख के देवता भी भेद बदल के धरती पे आवत हुई। कैसे एक ही मंडप में चारों भाई के शादी भई और ये ध्यान नगरी में